हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केरेमा पॉइंट। और आज मैं आप सबके साथ एक नया ड्रामा लेके आई हूँ जो कि काफ़ी पुराना, ज़्यादा पुराना नहीं है, आई थिंक 10 साल पुराना है, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आपको पता है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये वही वाला सिस्टम है। तो इस ड्रामे का नाम है यू आर ब्यूटीफुल और इसका नाम ही इज़ ब्यूटीफुल भी है, मतलब ये दो नाम से जाना जाता है। इसमें जो लड़की होती है हमारी, वो जो है एक कोई पॉप बॉय बैंड में जो है अपने आप को बॉय बना के उसमें एंटर कर लेती है, और इसके बाद जो सीन होता है वो बहुत ही अजीब होता है। उसको आप देखिएगा कि उसकी लाइफ में क्या क्या परेशानी आती है एक बॉय की तरह डिस्गाइज करने में। तो आगे हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पे जो सीनियर नन होती हैं वो किसी के बारे में बात करती हैं कि वो लेट हो गई, वो ज़रूर भाग रही होगी। फिर हम हमारी फीमेल लीड मीना को देखते हैं जो सच में भाग के अब आती है हमारे चर्च में, और फाइनली वो चर्च पहुँच जाती है, जिसके बाद वो प्रे करने लगती है और उसकी नज़र पड़ती है एक बच्चे पे जो कि चर्च के अंदर प्रेयर होने के टाइम पे गाने सुन रही होती है, जो कि कितनी गलत बात है। तो वो बच्चे से कहती है बेटा गाने बंद कर दो, पर वो लड़की उल्टा गानों की आवाज़ तेज़ करके उसे उंगली चढ़ाने लगती है, जिसके बाद मीना को गुस्सा आता है। तो मीना उसके पीछे चलती कहती है बेटा इसे बंद कर दो। जब वो लड़की नहीं मानती तो वो उसका एयरफोन खींच लेती है, जिसके बाद फ़ोन नीचे गिरता है और एयर लेट हटने के बाद पूरा चर्च में वो गाना बजने लगता है। और एम्बैरेसमेंट के कारण उसकी सीनियर नन भी परेशान हो जाती है और वो भी परेशान हो जाती हैं। फिर हम एक केपॉप बॉय बैंड को देखते हैं जो कहीं पे अपना कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं। कॉन्सर्ट से आते वक्त उनके जो डायरेक्टर होते हैं वो उनसे कहते हैं बेटा तुम्हारी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है ना, तो मैंने तुम्हारे बदले किसी और को रखा है, मतलब कि तुम्हारे लिए ही किसी और को रखा है, कि तुम्हारे ग्रुप में 3 लोग हैं ना, तो तुम लोग 4 लोग हो जाओगे, तुम दोनों ही लोग गाने गाओगे क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से इसको आपत्ति होती है। इसका नाम तेयून होता है। इसको काफ़ी आपत्ति होती है कि भाई जब मेरे को गाना गाना आता है तो यह क्यों किसी और को रख रही हैं। चलिए मैं आपको इसके बैंड का एक पूरा इंट्रो दे देती हूँ जिससे आपको समझ आए कि कौन क्या है। तो इनमें जो इनका लीडर है उसका नाम है तेयून और ये गाना गाता है, और बाकी इसके सेकेंड नंबर पे आता है शिनवू जो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट बजाता है, और थर्ड नंबर पे आता है जेरेमी, ये सबसे क्यूट वन है तो ये भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है। तो अब अपनी आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं क्योंकि इसमें को बस यही बताना था कि इनके ग्रुप में कौन कौन है। मीना कुछ सोच रही होती है कि एक आदमी उसको घूर रहा होता है और एक पिक्चर को। फिर हम मीना और उसके सीनियर नन को देखते हैं, हम इसको मदर कहेंगे, तो मदर को देखते हैं जो उसे कह रही होती है कि क्या तुम्हें सच में रोम जाने की ज़रूरत है। मतलब मीना को रूम जाना होता था कि वो रूम की कंट्री के लिए नन बन सके और वहीं पे ही गॉड की ही प्रेयर कर सके। तो नन उसे कहते तुम अभी काफ़ी छोटे हो और तुम ये सब नहीं कर पाओगे, पर वो कहती नहीं मेरा इरादा मैंने पूरा बना लिया है कि मैं रूम जा के रहूँगी और काफ़ी सारे लोगों में से सिर्फ मुझे ही रूम जाने का मौका मिला है, तो प्लीज़ आप मुझे जाना दीजिए। जिसके बाद वो खुशी खुशी जाने लगती है, पर उसका पीछा एक कार करती है और उस कार में हमारा वही बंदा बैठा होता है। मीना ये बात नोटिस करती है और अपनी स्पीड पकड़ लेती है, तो वो आदमी भी उसके पीछे आने लगता है। फिर वो आदमी बाहर आता है और मीना से बात करता है। मीना कहती है तुम कौन हो, तो वो कहता है क्या तुम जानते हो मीना अपने भाई को, अपने ट्विन ब्रदर को। एक्चुअली मीना का एक ब्रदर होता है जो ट्विन, दोनों की शक्लें काफ़ी मिलती हैं। तो वो कहती है हाँ लेकिन क्यों, तो वो कहता है मुझे तुमसे कुछ काम है। और इतने में उसे लगता है कि शायद ये एक पर्वर्ट है और उसे परेशान करना है, तो वो फौरन उसके मारती है और वो तो भैया टैंक का टैंक होता है। वो थोड़ा उठता है और कहता है भाई तुमने ये क्या किया, तो वो फिर से उसे मारती है और वापस अपनी स्कूटी पर बैठ के वहाँ से भाग लेती हैं। वो आदमी फिर से उसका पीछा करता है और उसे कहता है कि अरे सुनो तो तुम्हारे भाई किसी मुसीबत में है और तुम्हें उसकी हेल्प करनी है। जिसके बाद वो फौरन रुकती है और उससे पूछती है भाई क्या हुआ मेरे भाई को, तो वो कहते हैं तुम्हारे भाई का एक थोड़ा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया है और उसको किसी सर्जरी के लिए बाहर भेजा गया है, और उसके भाई को तुम्हारे भाई को ना एंजल जो ग्रुप है उसके लिए सिलेक्ट करा गया है। तो वो कहती ए एंजल क्या, तो कहता तुम्हें नहीं पता हमारी कंट्री का सबसे बड़ा के पॉप ग्रुप, जैसे आजकल के BTS हैं फेमस, वैसे ही वो उसकी बात कर रहा था कि उस टाइम पे वो फेमस था। तो वो कहती तो मैं क्या करूँ, तो वो कहता है प्लीज़ तुम अपने भाई की तरह एक्टिंग कर लो प्लीज़, बस उसे ना साइन करना है कि कॉन्ट्रैक्ट और तुम लोगों की शक्ल काफ़ी मिलती है, तो प्लीज़ तुम चलो ना, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम उसकी सिस्टर हो और साइन भी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कहती है अच्छा अच्छा चलो ठीक है,
अब वो जाती है एंजल के ग्रुप के पास, जहाँ काफ़ी सारी उनकी फैन बैठी होती हैं। उसे लगता है एंजल मतलब एंजल, तो उन्हें लगता है ये सब एक एंजल है। अब वो उससे पूछती है क्या आप एंजल के लिए बैठे हो, तो वो लड़कियों को ऐसा लगता है कि उसकी एंजल की एक फ़ैन है और ऐसा गेटअप करके आई नन का, ताकि उनका फोकस सिर्फ नन पे जाए क्योंकि सबसे यूनिक है। अब उससे कहते तुम इतना अच्छा आइडिया कैसे आया, कैसे आया, कितने में वह एंजल आते हैं, सारी लड़कियाँ उनके पीछे चली जाती हैं। फिर एंजल आते हैं जिन्हें देख के वो कहती ओ तो ये है वो एंजल जो अर्थ पे रहते हैं और सब लोग उनके दीवाने हैं। अब उस दिन जब नल का कर रखा गेटअप, तो वो लोग से थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तेयन उसे देखता है, शिनवू उसे देखता है, और जेरेमी तो बिल्कुल मुंह उसका खुला का खुला रह जाता है। वो उसे इवन ऑटोग्राफ देता है, गॉड से प्रे करता है, और फिर उसे प्यार से बाइक करके वहाँ से चला जाता है। अमीना अभी भी थोड़ी कन्फ्यूज बैठी होती है। फिर उसके पास वही आदमी आता है, एक्चुअली एक मैनेजर है इनका, एंजल का मैनेजर। तो एंजल का मैनेजर आता है और वो उसे आराम से लड़कों वाले कपड़े देता है। अब वो जब अंदर जाती है मीना, तो सब लोग उसे कहते चलो ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन इतने में तेयुना के कहता है अगर ये एंजल ज्वाइन कर रही है या मतलब कर रहा है, तो इसे प्रूफ करना होगा ना कि एंजल के लिए परफेक्ट है। तो वो उसे पकड़ता है और अंदर ले जाके कहता है तुम्हें गाना गाना है। अब नन को तो गाना गाना अलाउ होता नहीं। अब वो सोचती है भाई मैं कैसे गाना गाऊँ, तो वो कहता देगा मुझे पता था कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। और वो उसका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने जा रहा होता है कि अचानक मीना गाना गाती है, और उसका गाना इतना प्यारा और इतना अच्छा होता है कि सबके मुँह खुले के खुले रह जाते हैं। अब फिर वो फाइनली आराम से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मीना कहती है मैनेजर से कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है ना, तो अब मैं जा रही हूँ, और एक्चुअली मेरे को ना रोम जाना है, वहाँ पे मुझे नन बनना है। तो वो जगह तुम रोम जा रही हो, तुम रोम नहीं जा सकती। अरे भाई तुम्हारे भाई का सर्जरी हो रही है, सर्जरी एक घंटे का काम थोड़ी होता है, तुम्हें कम से कम यहाँ एक महीने के लिए रुकना पड़ेगा। वो कहती है मैं नहीं रुकने वाली एक महीने के लिए, ऐसा है तो मेरे भाई को ऐसे बुला लो हॉस्पिटल से, मुझे तो रोम जाना है, तो मतलब जाना है। और वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन मीना जाती है एयरपोर्ट पे, जहाँ पे दूसरी तरफ एंजल भी उसी एयरपोर्ट पे होते हैं क्योंकि उन्हें भी कहीं जाना होता है। मीना और तेयुन की होती है टक्कर, जहाँ वो देखती है कि तेयुन है, तो वो तो अपना मुंह छुपा के वहाँ से भागने लगती है, और तेयुन देखता है इस बेचारी नन का टिकट गिर गया है, तो वो उसके पीछे भागता है। अब इन दोनों की भाग भाग शुरू, मीना कभी यहाँ भागे तो वो उसके पीछे भागे, वो इतने टाइम तक उसे छुपती रहती पर वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तेयुन अपने बाकी मेंबर्स को बता देता है कि यहाँ एक नन है जिसका टिकट यहाँ गिर गया है। तो अब बाकी के जेरेमी और चिनवू भी उसे ढूंढने लगते हैं। अब बेचारे परेशान कि यार ये तीन लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मेरा टिकट भी मुझे वापस नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगी रूम। इतने में वहाँ तेयुन खड़ा होकर थक जाता है और कहता है कि मैं इसे टिकट कहाँ से दूँ। तो वो देखती मेरा टिकट तेयुन के हाथ में है, और वो फ़ौरन भागते हुए फ्लाइंग किक की तरह जाके अपना टिकट ले लेती है। पर यह सब उसके पास एक इमेजिनेशन होती है। वो जैसे भागने की तैयारी करके वहाँ से भागती है कि इतने में वो तीनों के तीनों मेंबर साथ आ जाते हैं, जिसके बाद उसे वापस कहीं ना कहीं भागना पड़ जाता है। बेचारी मीना परेशान, क्योंकि उसका तो प्लेन चला गया, ऊपर से तेयुन भी चला गया उसका टिकट लेके। अब बेचारी रात में बैठ के गाना देखती, आई मीन सुनती है गाना जो कि उसके भाई ने गाया था, जहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है कि एयरपोर्ट आते वक्त मैनेजर ने उससे कहा था क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भाई सिंगर क्यों बनना चाहता है। वो सिंगर इसलिए बनना चाहता है ताकि वो फेमस हो और तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएं। जहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है इन दोनों के बचपन का, जहाँ सारे बच्चे मीना और उसके भाई को परेशान कर रहे होते हैं ये बोल के कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है और तुम्हारी मम्मी भाग गई है, जिसके बाद उसका भाई फैसला करता है कि वो बड़े होकर काफ़ी फेमस बनेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि उनकी मम्मी उसे फेमस देख के एक बार उनके पास लौट ही आए। फिर मीना मिरर में जाती है और अपने बाल काटती है, जिससे यह साबित होता है कि अब वो अपने भाई का रोल निभाने के लिए तैयार है। अब वो अपने चेस्ट पे टेप भी बांधती है। फिर हम सबको पार्टी में देखते हैं, जहाँ पे वो लोग अनाउंस करते हैं कि हमारी एंजल ग्रुप में एक और नया मेंबर आने वाला है, जो कि आप सबके पता ही है कि वो हमारी मीना होती है। मीना एंजल के घर में आती है, जहाँ इतना बड़ा घर दिख के वो तो हैरान हो जाती है। फिर वो गलती से तेयुन के घर कमरे में चली जाती है, जिसके बाद तेयुन आता है अपने कमरे में और उसे पता लग जाता है कि उसके कमरे में कोई है, क्योंकि भाई हमने जो सामान जहाँ रखा है अगर वो हमें वहाँ रखा ना मिले तो हम समझ ही जाएंगे किसी ने छेड़छाड़ तो करी ही है। जिसके बाद वो बाथरूम में आता है, जहाँ मीना बाथरूम में होती है, वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो कहती है मैं तो कुछ नहीं। और इतने में उससे एक बटन दबता है, जिसके बाद वॉशरूम से पानी निकलता है और वो सीधा मीना के ऊपर, और वो बेचारी चिल्लाती रह जाती है। अब वो मन में कहता है इसका क्या होने वाला है, इससे जरूर मुझे बच के रहना होगा। जहाँ मीना उससे माफ़ी मांगती है और उसके क्लोज आती है, तो वो कहता है दूर हट, इतना गंदा पानी तुम्हारे पास वॉशरूम का पानी है, मुझसे दूर रहो, तुम दूर रहो। फिर हम सबको पार्टी में देखते हैं, जहाँ सब लोग मीना को काफ़ी ड्रिंक करवा देते हैं, और मीना तो उसको बहुत जल्दी चढ़ जाती है। वो छत पे जाती है और वहाँ से कूदने वाली होती है, जहाँ पे तेयुन भी होता है।
जहाँ पे बाकी के तीनों मेंबर आते हैं और मीना को बचाने की कोशिश करते हैं। कितने में मीना सोचती है कि मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा कि जो एंजल हैं वो मेरे सपने में हैं और मैं भी जन्नत में हूँ जहाँ पे मैं उनके सामने हूँ, और वो लोग मुझे देख के हैरान हैं। अब वो उनके साथ काफ़ी खुश होती है और इसके साथ हमारे